नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। 9 राज्य में आने वाले समय में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्टिव मोड में है, लेकिन विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं इस पे सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। हमारे साथ इस मुद्दे बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा जी हैं, जो कि वे बाकी से अपने बातों को रखते हैं, युवा हैं, राजनीतिक पहलुओं को बड़ा करीबी से समझते हैं, जानकारी लेते हैं कि ये कैसे देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। सर सचल, आपका स्वागत है। सुमित शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं मोदी जी ने काफ़ी सारे जो है मंत्र दे दिए अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो है गलत बयानबाजी करने से बचें, हर समुदाय को साथ लेने की ज़रूरत है, कैसे देख रहे हैं? वो जो मोदी जी हमेशा जो मंत्र देते हैं, वो हर चुनाव में अपना एक ना एक मंत्र देते हैं, और वो मंत्र कहाँ पता नहीं कहाँ ले जाता, वो ध्रुवीकरण पर आके अटक जाती है। ये राजनेता जो मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी है, जो कार्यकारिणी की जब भी मीटिंग होता है, जब भी मैं देखता हूँ मीटिंग में, कि वो एक बात तो सबका विश्वास लेने की बात करते हैं और कहते हैं सबको जोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन जब वो बातें वहाँ जाती है तो कहीं ना कहीं एक पंथ और एक धर्म पे आके अटक जाती है। जिस तरह से इस कार्यकारिणी मीटिंग में मोदी जी 300 मीटर चल के गए और उसको मीडिया ने बढ़ चढ़ के दिखाया था, और आप लोगों ने भी देखा था, आप लोगों ने भी कवर किया था, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा ये 3500 किलोमीटर का चला, उसको किसी ने कवर नहीं किया। और विपक्ष की मजबूती जिस तरह से तेलंगाना में दिखाया गया था पिछले हफ्ते ही, उसको भी किसी ने दिखाया, जहाँ पे अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, चंद्रशेखर राव जी, जहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठा थी, साउथ की सबसे बड़ी रैलियाँ थी, हैं, और वहाँ से जनता की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन रही थी, लेकिन उसका संदेश नहीं बना। लेकिन मोदी जी का जो संदेश है, अगर मोदी जी का संदेश भारतीय जनता पार्टी मान रही है, तो फिर परमहंस जी का बयान कहाँ से आ जाता है? फिर अगर मोदी जी का अगर कार्यकर्ताओं को अपना ये अगर आश्वासन दे रहे हैं कि आप अपने बयान पे बयान को तरीके से दो, मैंने जनता से अपनी बातों को सीधे तरीके से और सीधे तरीके से अपनी बातें रखने की चेष्टा रखो, ठीक है, तो लेकिन वो बातें कहीं जनता तक पहुंच क्यों नहीं पाती है? बात ये आती है, बात ये आती है वरुण गांधी जी आपके पार्टी के ही नेता है, किसी और पार्टी के नेता नहीं है, और वो बार बार कहते हैं, तो उनकी बातों को तो आप अनकही कर देते हो, अनसुनी कर देते हो। ऐसे उमा भारती जी भी कई बार बोला उन्होंने, उनको भी अनसुना कर देते हो आप, हैं? आप मोदी जी जो कहते हैं सबका विश्वास, लेकिन अचानक से बयान आ जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, अचानक से बात आ जाती रामचरितमानस को लेकर, देखता हूँ ध्रुवीकरण की बातें आ जाती, सब कहते हैं कि वो जो शिक्षा मंत्री है बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको लेकर बयान आ जाती है। भैया, अगर ये देश न्याय से चलेगा तो संविधान पे छोड़ दिए सारी चीज़ें, लोकतंत्र पे छोड़ दिए सारी चीज़ें, आप तानाशाही की तरह अपने हाथ में ही क्यों सारी कानूनों को ले लेते हैं? मोदी जी ने तो साहब कह दिया है कि अब ये गलतफहमी मना रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और चुनाव को जिता देंगे, तो साफ संदेश दे दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो एकदम एक्टिव मूड में हैं, अब वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करके दिखाएं। मोदी जी को अब एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं देश के अंदर अब मोदी जी का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो चुका है, देश की जनता ने 8 साल में देख लिया है। इसलिए बार बार जब भी हर राज्य और हर प्रदेश का जब चुनाव आता है, तो मोदी जी यही एहसास जताने की कोशिश करते हैं कि अब मोदी भारतीय जनता पार्टी को हर प्रदेश और हर देश में चुनाव नहीं जिता सकता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा है। विपक्ष जिस तरह से मजबूती से इकट्ठा हो रहा है, और कहाँ इकट्ठा हो पा रहा है, आपको देख लीजिए, आपको तेलंगाना में नहीं दिखा? कांग्रेस तो उसमें थी नहीं। अरे कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपको नहीं दिखा? उसमें RLD आई थी, सपा के साथ गठबंधन है, लेकिन RLD आई थी, RLD ने सहभागिता दिया, और साउथ से लेके नॉर्थ तक आपने देखा होगा जितनी क्षेत्रीय पार्टी है सब ने साथ दिया है, सहभागिता, किसी ने नकारा नहीं है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को। तो इसमें कहीं ना कहीं सारी विपक्षी पार्टी अंदरूनी स्तर पर अपनी बातें रख रही है, और वो एकजुट चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक सहमति है वो बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ा जाए, और वो चीज़ चल रहा है, और ये रिजल्ट आपको 2024 में दिखेगा। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, हर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनको क्षेत्रीय पार्टी को लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस की हार पता क्यों हुआ आपको? उसने क्षेत्रीय पार्टी को उतना अपना वर्चस्व था उन्होंने क्या करा, वर्चस्व खत्म करना स्टार्ट कर दिया, तो क्षेत्रीय पार्टी उससे अलग होते चली गई और कांग्रेस के हालात देख लिया। वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, अब देख लो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जिस राज्य में जा रही है उस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म ही कर दे रही है, शिवसेना को ख़त्म कर दिया, कर्नाटक के अंदर 2-4 पार्टी उसको ख़त्म कर दिया, राजभर को ख़त्म कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे देख लो अपने बिहार के अंदर नीतीश कुमार को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्षत्रिय पार्टी को ख़त्म कर दिया, और इसका नतीजा और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिलेगा।
बखूबी मिलेगा। ये मीडिया दिखाए या ना दिखाए, देश की जनता समझती है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा ऐसे होने वाले हैं जिससे लगता है कि जो है बदलाव की ओर है? देखो, हमारा जो मेन मुद्दा जो है वो मोदी जी ने जो वादा किया था वही मेरा मुद्दा है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौ स्मार्ट सिटी, स्वच्छता में नंबर वन हमारा यही तो है। स्किल इंडिया में आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो कम आए, अमीर गरीबी की खाई कम हो, ठीक है। जो हमारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं, पीएसयू को फिर से सरकार में मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सबको एक साथ ले चलने की ज़रूरत है, कोई वोट बैंक की राजनीति करके जो है बात करने की कोशिश ना करें, सबको एक साथ ले जाने की बात करें। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी पे जो है गलत टिप्पणी करने से बचें, चाहे किसी भी धर्म समाज का हो। तो देखिए ना, एक नई पहल की शुरुआत हो गई। नई पहल की शुरुआत, आपको हर उसमें उनके हर बयान में आपको नई पहल दिख जाती है। क्यों नहीं है, क्या गलत इसमें? अच्छा ये बताइए, आप हर जगह जाते हो, पंत को देखकर तो अपना बयान दिलवाते हो चुनाव के अंदर, आपको समस्तान और कब्रिस्तान दिख जाता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आपको कर्नाटक के अंदर जाता है तो यद्यूरप्पा सिद्धरमैया का जो बयान है वहाँ पे, जो वहाँ के ओबीसी लोग हैं उनका दिख जाता है कि ओबीसी तुम्हारे बढ़ावा दे रहा, ओबीसी को बढ़ावा दे, तेलंगाना में भी ओबीसी बढ़ावा हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा, ये दिखता है। तमिलनाडु के अंदर कोई और बयान आ जाता है आपका, ठीक है। आप नवीन पटनायक को लताने लग जाते हो जिसने 25 साल तक शासन उड़ीसा के अंदर किया है। आप हरियाणा के अंदर जाटों को पता नहीं क्या क्या कह देते हो, है? आपको उस टाइम ध्रुवीकरण नहीं दिखता है। और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो कि देखो अब नया आयाम आ गया है, मोदी जी ने नया आयाम दे दिया है देश को कि अब जोड़ने की बात है, देश को लेकर चलो। अरे भैया अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जब भी चुनाव का समय होता है तो कुछ ना कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है मंत्र जरूर देते हैं अपना, और इस बार भी उसी तरीके का कुछ नया मंत्र दे रहे हैं। तो लगता है मंत्र से कुछ फर्क पड़ने वाला? मंत्र से फर्क अगर पड़ता, मंत्र से फर्क, देखा मंत्र उन्होंने सदन के अंदर ही दिया था, आपको पता होगा मंत्र दिया था आदर्श ग्राम योजना का सभी सांसद को दिया था। किसने, कितने हैं 10 ग्राम मुझे बता दो, है? जब उन्होंने सदन का मत्था टेका था तो मैंने भी सोचा यार सदन का कोई सच्चा सेवक आया है, देश का सच्चा सेवक आया है, लेकिन कितने बना? उसके तुरंत बाद उन्होंने क्या कह दिया, है? 370 पे बात कर लिया, 371 पे कोई बात नहीं करते, 9 शीर्ष की जो समस्या है उन पर बात नहीं करते ये मोदी जी, और आप एकजुटता की बात करते हो। अब देखिए अभी से रैलियां शुरू हो गई हैं उनकी, रैली जेपी नड्डा जी देख ही रहे हैं, उसके बाद अमित शाह जी का वो बयान एक साल पहले से, उसके बाद मोदी जी की कार्यकारिणी। आप भारतीय जनता पार्टी के किस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो कठपुतली है। जब हिमाचल बातें कर रहे हैं एक साल के लिए फिर से उनका सुन तो लीजिए, कठपुतली इसलिए कह रहा हूँ ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो बड़े चेहरे मीडिया दिखाती है कि देखो जेपी नड्डा की हार है, हैं? और वही गुजरात के अंदर चुनाव जीत जाता है भारतीय जनता पार्टी तो मोदी की जीत बता देता है, हैं? और जो नितिन गडकरी है अपने कार्यकारिणी में अपने कुछ बयान महाराष्ट्र के अंदर खूब फेरबदल करने की बात करते हैं तो उनको अलग थलग कर दिया जाता है, उन्हें मंत्रालय में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे उमा भारती को साक्षी महाराज को बढ़ा रहे हो, है? आप जो गुंडे तत्व के लोगों को तो बढ़ा रहे हो। मनोज तिवारी को जानते हैं कि नहीं? मनोज तिवारी को जानता तो हूँ, मनोज तिवारी जो झारखंड पहुँच जाता है लेकिन दिल्ली के अंदर निप जाता है। जब या उन्होंने कहा है, अरे उनके कहने से क्या मालूम है, वो क्या है, पूर्वांचल के लोगों की हकीकत को जानते नहीं है, है? बयान दे देते हैं, दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, है? दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा तो दिया और उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद भी ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। छोड़िए, मोदी के साथ है पूरी जनता। मोदी के साथ, अगर कैसे मोदी के साथ पूरी जनता है, मीडिया लोगों के लिए जो है मोदी के लिए पूरी जनता है। मैं कह रहा हूँ 70% जनता कहाँ है, फिर वोट क्यों नहीं दिया, फिर 70% जनता ने मोदी को 30% वोट ही क्यों मिला भारतीय जनता पार्टी को, ये तो बताइए मुझे। चलिए आखिर गुणगान आदमी उसी करता है ना जो जीतता है, तो मैं कह रहा 70% की गुणगान करोगे नहीं करोगे? 70% अगर एकजुट हो जाएगा तो मोदी जी कहीं भी नहीं टिक रहे। तो कैसे होगा एकजुट हो तो रहा है कैसे? आप मीडिया ही तो नहीं दिखा रहे हो। मैं कह रहा तेलंगाना के अंदर इतना बड़ा रैली हुआ है, दो समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन उसको छोटे मोटे पार्टी तो नहीं मानोगे आप? मायावती जी की पार्टी को छोटे मोटे पार्टी नहीं मानोगे आप? आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी होगी, इसको भी मानोगे आप? चंद्रशेखर राव को छोटी मोटी पार्टी नहीं मानोगे आप? कहाँ मान बढ़े, ये सारी पार्टियां एक हो रही है, आपको दिख नहीं रहा है? नवीन पटनायक आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव। कौन है जो मोदी जी से टक्कर ले सकता है, जो चेहरा हो सकता है जो मोदी जी एक तरफ? विपक्ष में बहुत चेहरा है सर। कौन है विपक्ष में बहुत चेहरा? कौन है ऐसी तेज तरह सोचने वाला? कौन है ऐसी अपनी ऐसी भाषणों से जो है लोगों को मोहित कर सके? कौन है सर? भाषणों की बात कहाँ ले जाते, हम यहाँ पे जुमलेबाजी करने के लिए नहीं आए, हम तथ्य पे बात करने के लिए आए हैं, ठीक है? हम जो विपक्ष जो कहता है वो करता है,
हमेशा से वो करता आया है। तो अगर करता आया है तो फिर सत्ता से कैसे दूर चला जाए? आपका उदाहरण है, नई अरविंद केजरीवाल उदाहरण है आपका, उन्होंने कहा और करा, आपको दिखा नहीं क्या? तो ये कहते हैं बड़ी मीडिया में भी कल से भी यही इसी चीज़ पर चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है उसको पता है, लेकिन केजरीवाल की क्या विचारधारा है किसी को पता ही नहीं है। ह्यूमैनिटिज्म, वो अपने ह्यूमैनिटिज्म को लेकर सिर्फ फ्री का देना जानते हैं, फ्री का वोट बटोरते हैं। अच्छा, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे दिया जाता तो वो फ्री नहीं है? 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया जाता है तो वो देश विश्व गुरु बन जाता है, और ये कहते हैं मैं फ्री शिक्षा दूंगा, ये ह्यूमन राइट में लिखा हुआ है, ये कहते हैं मैं फ्री स्वास्थ्य दूंगा, ये ह्यूमन राइट है हमारा, ये कहते हैं फ्री पानी मिलना चाहिए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को जो सुख सुविधाएँ अगर VIP कल्चर में है वो सुख सुविधाएँ झुग्गी झोपड़ी में भी मिलना चाहिए, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? वो समता ही तो ला रहे हैं जिस समतावादी सोच की बात हो रही है। लगता है कि BJP के इतने सालों से गड़ा हुआ तंबू इस 24 के चुनाव में खड़ भी पाएगा, हिल भी पाएगा तंबू? कितने साल का तंबू गड़ा हुआ है, हैं? कितने साल का तंबू गड़ा है? अरे भैया, हर किसी का गरूर खत्म हो जाता है दुनिया के अंदर, यह आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है, देश की जनता को भली बात ही पता है। 8 साल में देश की जनता ने जो आंखों की सलाखों पे चढ़ाया था भारतीय जनता पार्टी को, उस उम्मीदों पे नहीं उतराया, तो फिर कौन देश की जनता, थोड़ी मीडिया कह रहा है, और मीडिया में 2-4 मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया, उनके लोगों के, उन मीडियाओं के लिए मोदी जी फिर से आ सकते हैं, लेकिन देश की जनता नहीं चाह रही है। आप हकीकत से बयान, आप फील्ड पर उतरिए, फील्ड पर आपको पता चल जाएगा, अगर आप मोदी जी के नाम पर अगर फील्ड पर जाएगा ना, आपको भी भगा दिया जाएगा गाँवों से। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं लोग वो 300 मीटर का देखे थे जो कल परसों जो चले थे, अच्छा भारत जो भीड़ तादाद, अच्छा आप गुजरात के अंदर रोड शो हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, तो वो नहीं दिखा था, भारत जोड़ो यात्रा में जो रोड शो भीड़ आई थी वो आपको नहीं दिखा था, लेकिन आपको 300 मीटर यात्रा में कारें दिखी गई, बस गाड़ियां दिख गई बस, और 2-4 उनके कार्यकर्ता दिख गए, उनको आप भारत की भीड़ बता दे रहे हो। लोकप्रियता है कि नहीं अभी आज के समय में? आज के समय मोदी जी की लोकप्रियता ज्यादा, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा घटी है भारत में, मोदी जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा भारत में घटी है, भारत के अंदर तो मोदी जी की लोकप्रियता घटी है। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो देश की जनता, 130 करोड़ लोग, संपूर्ण विपक्ष जो डेमोक्रेसी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, लोकतंत्र रक्षा की बात करेगा, मोदी जी ने तो सारे लोग। हाँ यस, क्या देख पा रहे हैं अभी आप 24 में तो मोदी जी की सबसे बड़ी हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, सबसे बड़ी हार होगी, और वो आंकड़ा मैं बता देता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ही उदाहरण दूंगा मैं, ज़्यादा राज्यों का उदाहरण लेके नहीं चलूँगा मैं। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 267 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो 127 सीटें बढ़ के गई, तो अब वहाँ पे वर्तमान में 70+ सीट है किसकी, भारतीय जनता पार्टी को, 70 में से अगर 20 सीट भी हटा देते तो 50 सीट आती है, 20 सीटों का नुकसान यहाँ हो गया, ऐसे 39 सीट बिहार के अंदर है, उसमें से सीधे सीधे 19 सीट 20 सीटों का नुकसान होता है वहाँ पे, 40 सीटों का नुकसान तो उत्तर प्रदेश और बिहार से हो जा रहा है, और 40 सीटों का अगर नुकसान हो जा रहा तो बहुमत तो है ही नहीं कहीं, ये दिख जा रहा, और हर राज्य में ऐसे करके 4-5 सीटों ले रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 कह रहा हूँ, गुजरात के अंदर 10 सीटों का नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में 10 सीटों का नुकसान होगा, राजस्थान के अंदर 10 सीटों का नुकसान होगा, ऐसे हिमाचल प्रदेश के अंदर 2-4 सीटों का नुकसान होगा, उत्तराखंड को लग रहा है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। मैं भैया वोट प्रतिशत पे तो बात कर रहा हूँ, 2019 से लेकर 2014-2019 का आंकड़ा, और फिर 2022 का उपचुनाव जो बायलेटर चुनाव उपचुनाव हुए थे उसमें पता चल गया कि देश की जनता क्या चाह रही है, हकीकत तो आप आंकड़े पर बात करोगे ना सर, बिना आंकड़े की बात क्यों कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। फिलहाल हम लोग जो है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे थे जब से कार्यकारिणी बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। हालांकि विपक्षी पार्टियों में इस बात की खलबलाहट सुबगुहाट तो मची हुई है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएँ भी चल रही हैं कि आखिर कैसे होगा, कैसे चुनाव की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब एक्टिव हो चुकी है, लेकिन विपक्ष के नेता जो है उसको लेकर के क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़, धन्यवाद।